नमस्कार, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। बहुत सारी सेविकाओं का लगातार कमेंट आ रहा था कि पोषण ट्रैकर में अभी भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, और आधार वेरीफाई होने का अंतिम तिथि आप लोग को मालूम है कि 15 तारीख तक ही आधार वेरीफाई का जो अंतिम तिथि है वो है। और बहुत सारी सेविकाएँ व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रही थी कि उनका जो आधार वेरीफिकेशन है वो नहीं हो रहा है, किसी बच्चे का आधार वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आधार वेरीफिकेशन कैसे होगा। पोषण ट्रैकर में जो अपडेट आया है 14.3, उसके कारण आधार अपडेट होने में सारी सेविकाओं को दिक्कत आ रही है। तो उस दिक्कत को समझेंगे कि कैसे हम इस दिक्कतों के बावजूद भी पोषण ट्रैकर में आधार वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी लाभार्थी का आधार वेरीफिकेशन एक दिन के अंदर नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रही हैं कि एक दिन के अंदर ही हम सारे लाभार्थियों का आधार वेरीफिकेशन कर दें तो ये नहीं हो सकता है। आधार वेरीफिकेशन होने में कम से कम 2 या 3 दिनों का समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि कैसे हमारा लाभार्थियों का आधार वेरीफिकेशन होगा। हम आधार वेरीफिकेशन के सारे बातों को एकदम बखूबी और आराम से समझेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले अगर आप लोग को किसी भी बेनिफिशियरी का आधार वेरीफिकेशन करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में चले जाना है जो बेनिफिशियरी लिखा हुआ है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को, अगर आप लोगों को 0 से 6 महीने वाले बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करना है, या 6 महीने से 3 साल वाले बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करना है, या 3 से 6 साल वाले बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करना है, किसी में आपको चले जाना है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें चला जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें 3 बच्चों का अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है। इसको करने के जैसे ही खुल जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अनवेरीफाइड मतलब यही बात है कि इस बच्चों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और इन सारे बच्चों का भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अगर इन सारे बच्चों का आधार वेरिफिकेशन करना है हमें, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 बिंदु, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बिंदु पर क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। आप हमेशा याद रखिए कि आप एक बार में आधार वेरिफिकेशन नहीं कर सकती हैं। आधार वेरिफिकेशन करने में कम से कम 2 या 3 दिनों का समय लग रहा है, क्योंकि जो पुराना वाला अपडेट है उसमें ये प्रक्रिया हो रही है। हो सके अगर नया अपडेट आ जाए कल या परसों के बीच तो आप लोग का आधार वेरिफिकेशन एक दिन के अंदर ही हो जाए, लेकिन अभी आधार वेरिफिकेशन करने में कम से कम 2 या 3 दिनों का समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल अपडेट में चले जाते हैं। प्रोफाइल अपडेट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा है, नेम ऑफ चाइल्ड, तो हम अपना जो आधार कार्ड है और बच्चे का जो आधार कार्ड है उससे हम इसका नाम मिला लेंगे कि क्या ये बच्चे का नाम सही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर भर देना है। अगर यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं होने पे हाँ पे क्लिक करना है, और रहने पे नहीं पे क्लिक करना है, मतलब उल्टा क्लिक करना है। अगर क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे उसके माता का आधार लगेगा, और आप उसके माता का आधार भी दे सकती हैं, मतलब माता के भी आधार से आप उसका आधार वेरिफिकेशन कर सकती हैं। और अगर आपके पास माता का आधार नहीं है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके पिता या किसी भी गार्जियन के आधार से उसका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये जब सारी डिटेल्स आप भर लेंगे इसमें पूरा डिटेल्स, तो इस डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा ये सेव हो जाएगा, और सेव हो जाने के बाद ये पेज को हम लोगों को बैक में आ जाना है। यहाँ पे लिख देगा, रिकॉर्ड अपग्रेडेशन इज प्रोग्रेस प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद चेक कर लेना है। वैसे हमने एक लाभार्थी का पहले ही करके रख लिया है 7 तारीख को, यानी आज से 2 दिन पहले, तो हम उसका करके दिखाएंगे कि उसका आधार वेरिफिकेशन कैसे होता है। हमने एक बच्चे का आधार वेरिफिकेशन का अपडेट आज से 2 दिन पहले डाल दिया था, तो हम उस बच्चे का कर लेते हैं। तो उस बच्चे को खोलने के लिए हम बेनिफिशियरी में फिर से चले जाते हैं। बेनिफिशियरी में चले जाने के बाद हम लोग उस बच्चे, वो बच्चा था 3 से 6 साल का, तो हम उस बच्चे पे चले जाते हैं। जब उस बच्चे पे हम चले जाएंगे तो उस बच्चे का नाम था, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, उसका नाम था धनई कुमार। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे आया है धनई कुमार, इसका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और परिधि कुमारी का आधार वेरिफिकेशन हो गया है। तो हम 2 नंबर वाले पे चले जाएंगे। उससे जाने से पहले आप एक बार इसके रिफ्रेश पे क्लिक कर लीजिएगा। रिफ्रेश पे क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो पुराना वाला अपडेट है वो फिर से सही हो जाएगा रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद। तो आप रिफ्रेश पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये फिर से कट जाएगा, फिर से आपको बच्चे का नाम जो है वो सर्च कर लेना है। हमने जैसे ही बच्चे का नाम सर्च किया यहाँ पर धनई कुमार लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ पर 3 डॉट जो है दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इसके थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको इसमें नहीं जाना है, आपको जस्ट बच्चे का जो नाम है यहाँ पे टाइप कर देना है, यानी कि जो बीच में है उस पे टाइप करना है। जैसे ही आप बच्चे को क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देखिए अपडेटेड एट 9 जुलाई 2022, मतलब ये जो बच्चा का आधार है उसको हम लोगों ने 9 जुलाई 2022 को अपडेट किया था, मतलब इनका आधार थोड़ा गलत हो गया था, इनका नाम भी गलत था, तो हमने सारी चीज़ सुधारा है। अब हम इस सब चीज़ को देखने के बाद कि हमने जो 9 जुलाई को आधार अपडेट किया इनका, अब इस चीज़ों को देखने के बाद हम बैक आ जाते हैं। यहाँ से बैक आ जाने के बाद आपको चले जाना है वेरीफाई आधार में, यानी कि 3 नंबर वाले ऑप्शन में। 3 नंबर वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को जो धनई कुमार है वो खुल जाएगा। तो आप लोगों को जस्ट सिंपली नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुला हुआ है धनई कुमार बच्चा 3 से 6 साल, अब आप लोगों को इसमें चले जाना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बच्चे का नाम दिखेगा धनई कुमार, उसके बाद इसका आधार संख्या दिखेगा और जन्म की तारीख दिखेगी। तो आप लोगों को ये सब देख लेने के बाद, ये सब अगर जैसे ही सही सही आप लोगों को दिख जाए तो आप लोगों को वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पे क्लिक कीजिएगा तो लिख देगा आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीट बैक टू होम, यानी कि आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, आप लोग पीछे आ जाएँ। उस तो इस प्रकार से उस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन हो गया है। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को बेनिफिशियरी में जाके उसका सारा डाटा अपलोड कर देना है। उसके 1 या 2 दिनों बाद आप लोग को फिर वेरीफाई आधार में चले जाना है और वेरीफाई आधार में जाके जैसे मैंने किया वैसे कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारी सेविका वाले हमारी वीडियो तो देखती हैं मगर वीडियो को लाइक करना भूल जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।